नैना देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक होने के साथ साथ पूरे उत्तर भारत की 9 देवी यात्रा में भी नैना देवी का छठा स्थान है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले की पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित इस मंदिर में देवी सती के नेत्रों की पूजा की जाती है। नमस्कार, मैं खुशी स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल भारतीय दर्शन पर। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित आदर्शित मंदिरों और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करवाएंगे। और इस मंदिर तक सबसे पॉकेट फ्रेंडली और सुलभ पहुंच की चर्चा मैं आपसे इसी वीडियो में आगे करूंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। नैना देवी मंदिर पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन, जहां से नैना देवी मंदिर कुछ 22 किलोमीटर दूर है। और इस दूरी को खत्म करने के लिए मैं आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर बस स्टैंड पहुंच जाती हूं। वहां से आपको आसानी से बस मिल जाएगी नैना देवी मंदिर के लिए। आप चाहें तो आनंदपुर साहिब से नैना देवी मंदिर के लिए टैक्सी भी चुन सकते हैं, लेकिन उसका किराया मिनिमम 1500 से 2000 तक रहेगा। वहीं आप दूसरी ओर बस के जरिए आसानी से 40 रुपए प्रति व्यक्ति नैना देवी मंदिर पहुंच सकते हैं, जहां आपके पैसे भी कम लगेंगे और ये रास्ता भी काफी कन्वीनियंट रहेगा। इसी के साथ साथ बस से जाने का प्लस पॉइंट ये रहेगा कि पूरे रास्ते आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, ऐसे ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। हमारी ट्रेन ने हमें अर्ली मॉर्निंग आनंदपुर साहिब ड्रॉप कर दिया था, जिसकी वजह से हमने सुबह सुबह ही बस ली थी, और इन्हीं रीजंस के कारण बस के थ्रू मैंने पूरे रास्ते सनराइज एंजॉय किया। और फिर आप इन खूबसूरत नज़ारों से होते हुए पहुंच जाएंगे उस जगह जहां से नैना देवी मंदिर जाने के 2 तरीके हैं, जिन्हें मैं आगे ही वीडियो में डिस्कस करूंगी। लेकिन इन सब में हमसे गलती ये हुई कि जल्दी दर्शन के कारण जैसे ही हम बस से उतरे, तभी वैन वाले नैना देवी मंदिर ले जाने के लिए हमको घेर लिए, जिस जल्दी में हम वो रास्ता देख ही नहीं पाए जो नैना देवी मंदिर के लिए प्रॉपर चढ़ाई वाला रास्ता था। अगर आप यहां से चढ़कर मंदिर जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं, वरना आप ये कर सकते हैं कि सुबह सुबह वैन लेकर आप नैना देवी मंदिर चले जाएं, फिर लौटते हुए आप ये रास्ता चुन सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से रोपवे भी ले सकते हैं, जिसका आने जाने का टोटल फेयर 150 रुपए पर पर्सन रहता है, और रोपवे आपको नैना देवी गुफा के पास ही उतारते हैं, जहाँ से मंदिर पहुँचने के लिए आपको थोड़ा और चलना होगा। तो यहाँ से शुरू होता है नैना देवी मंदिर के मुख्य द्वार तक का रास्ता, जो यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर दूर था। और इस यात्रा को शुरू करते ही मुझे मेरा दोस्त मिल जाता है, जिसने अभी चंद मिनटों पहले ही मुझसे हाथ मिलाकर दोस्ती करी थी। इतने सुंदर सुंदर नजारों को अपनी यादों की झोली में डालते हुए और अपने साथी को अलविदा कहते हुए मैंने कदम बढ़ा लिए मंदिर की ओर, क्योंकि अभी यहाँ से भी मंदिर लगभग 2.5-3 किलोमीटर ऊपर था। कैसे, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आगे का ये पूरा रास्ता स्लाइड्स और जीनों के द्वारा ऊपर जा रहा था, और यहाँ पहुँचने के बाद कुछ ऊपर चढ़ते ही आपको दिखेगा ये खूबसूरत नजारा, जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पाई। इस जगह पर होने के बाद तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं ऊपर थी और ये सभी वादियाँ नीचे। और जब आप यहाँ आए तो आप ये मत सोचिएगा कि मंदिर दर्शन से लौटते हुए आप इन नज़ारों का लुत्फ उठा लेंगे, क्योंकि शायद लौटते हुए आप इस सेम रास्ते से ना लौटे, तो बस इसीलिए ये नज़ारे मत छोड़िएगा। जैसे जैसे आप मंदिर की ओर कदम बढ़ाएंगे, आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर शौचालय की सुविधा देखने को मिलेगी, और फिर इतना चलने के बाद ये रास्ता आपको मुख्य मंदिर ले जाएगा। और फिर इतनी मशक्कत के बाद आप पहुंच जाएंगे नैना देवी मंदिर, जहां माता सती के नेत्र गिरे थे। मंदिर के पास ही जूताघर स्थित है, जहां आप निशुल्क रूप से अपने जूते जमा करा सकते हैं। जहां से आप ये यात्रा शुरू करेंगे, वहां आपको ये सभी दुकान वाले इंसिस्ट करेंगे कि आप अपने जूते यहां जमा करा दें, लेकिन आप प्रमुख मंदिर के बाहर बनाए गए जूते घर में ही अपने जूते जमा करवाइएगा, क्योंकि यहां से एक दूसरा रास्ता भी है जो सीधा आपको नीचे मेन बस स्टॉप पर ले जाता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। और अब हम करेंगे नैना देवी मंदिर के दर्शन,
जो यहाँ पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है। मंदिर जितनी ऊंचाई पर था उतना ही शांत था। और ये रास्ता है मंदिर के गर्भगृह तक का, जहां आप देवी नैना के दर्शन करेंगे। मान्यताएं तो ऐसा भी कहती है कि जो व्यक्ति नैना देवी के दर्शन कर लेता है उसे आंखों से रिलेटेड कोई रोग नहीं होता है। और सच में इतना ऊपर चढ़ते हुए जो थकान हुई थी वो नैना देवी के मात्र दर्शन करने से जैसे छूट ही गई थी। और आपको पता है मंदिर के बीचों बीच इतना घना ये जो पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं वो शताब्दियों पुराना है और इस मंदिर का प्रमुख आकर्षण भी है। मंदिर दर्शन के बाद आप नैना देवी गुफा के भी दर्शन कर लें और वो उसी रास्ते पड़ेगा जहां से आप ऊपर अभी चढ़कर आए हैं। लेकिन यहां सभी यही कह रहे थे कि नैना देवी के दर्शन के बाद ही गुफा के दर्शन करने चाहिए, तो पहले आप ऊपर आके मंदिर में देवी नैना के दर्शन करें उसके बाद गुफा दर्शन करें। गुफा दर्शन का रास्ता थोड़ा सा लंबा है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही है कि ये गुफा का रास्ता उसी ओर पड़ेगा जहां से आप चढ़ाई कर मंदिर तक पहुंचे हैं, तो आप किसी भी दुकानदार से यहां का रास्ता पूछकर यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, इस जगह पर आप जिस भी ओर से नीचे देखेंगे आपको ये पहाड़ियाँ अलग अलग रूपों में उतनी ही सुंदर दिखाई देंगी। और हाँ, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रों का त्योहार इस मंदिर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साल में आने वाली दोनों नवरात्रि पर यहाँ एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है जिसका हिस्सा बनने आप यहाँ आ सकते हैं। अब अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जाने के लिए मैंने चुना मंदिर के पीछे का ये रास्ता, जो जूता घर के दूसरे छोर की ओर से नीचे डायरेक्ट बस स्टॉप की ओर जा रहा था। और इसी के साथ मैं खुशी आपसे मिलूंगी हमारी इसी शक्तिपीठ सीरीज की अगली वीडियो में, जहां हम दर्शन करेंगे चार और प्रमुख शक्तिपीठ के, जिसकी नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो ये थी हमारी शक्तिपीठ सीरीज की पहली वीडियो नैना देवी मंदिर की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मिलते हैं हमारी शक्तिपीठ सीरीज की अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि नैना देवी मंदिर से आप कैसे चिंतपूर्णी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तब तक के लिए शुभ नवरात्रि।